प्यार साथियों, एक सवाल कुछ प्रकार से है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो हमें ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान बताना है। देखिए ऑप्शन हमें दे रखे हैं माइनस एक, जीरो, एक और तीन। सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं सर। देखिए हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए और प्लस के अंदर सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो यहाँ से हमें ए बी सी एलसीएम दिख रहा है तो ऊपर क्या जाएगा, बी सी से बी सी कटेगा, ए ऊपर जाएगा तो ए क्यूब, उसी प्रकार से यहाँ पे बी क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर सी क्यूब आ जाएगा सर। चलिए हमें अगर इसका मान पता चल जाए तो फिर हम सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूले की बात हमने पहले कर चुके हैं और यदि अभी नहीं करी है तो आप उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें सर। देखिए ए क्यूब माइनस प्लस के अंदर बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी और इनटू इनटू के अंदर लिख रहा हूँ सर मैं अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब देखिए सर यदि ये वैल्यू जीरो होती है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमें दिया है सवाल के अंदर देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, इसका मतलब हमें यहाँ से हमें क्या और दिया गया है, हमें दिया गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी भी जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो कि होगा थ्री ए बी सी और इस मान को उठा कर यहाँ रख देंगे। चलिए तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं थ्री ए बी सी बटे में ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी गया तो सर आंसर कितना है हमारा थ्री, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ सर सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं।